महेश्वर दोस्तों वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए 30 नवंबर 2023 की रात्रि में 12:05 पर शुक्रदेव अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 25 दिसंबर 2023 तक शुक्रदेव तुला राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इन 26 दिनों की समयावधि में शुक्रदेव आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता दे सकते हैं और कहां पर आपको जीवन में सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है और भौतिक सुखों का सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का स्वामी भी माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, प्रेम संबंध का, वैवाहिक जीवन का, सभी प्रकार के ऐसो आराम का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का ही प्रभाव होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं और ये कन्या राशि में नीचस्थ अवस्था में होते हैं, वहीं जब ये मीन राशि में जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। कुंडली पर अगर शुक्रदेव बलवान अवस्था में विराजित हो तो सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख आसानी से जातक को प्राप्त होता है। शुक्रदेव अगर बलवान होकर विराजित हो तो जीवन में वैवाहिक सुखों की बढ़ोतरी जीवन में होती है। शुक्र बलवान हो तो क्रिएटिविटी और क्रिएटिव क्षेत्रों में जातक की गहरी रुचि उत्पन्न होती है और क्रिएटिव क्षेत्र जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। वही शुक्र के पीड़ित होने पर यौन जनित बीमारियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और वैवाहिक जीवन में समस्या, आर्थिक समस्याएं जीवन में परेशान करती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके राशि के व्यय भाव और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 30 नवंबर को आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर ही प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के 12वें घर से हानि, मोक्ष, खर्च, विदेश के बारे में, शैया सुख के बारे में विचार करते हैं। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव मिला जुला परिणाम आपके जीवन में देने वाले हैं। द्वादश भाव पर द्वादश भाव के स्वामी होकर शुक्रदेव प्रभावी होंगे, तो इस समयावधि में लग्जरी चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा और भौतिक सुखों को अपने जीवन में अर्जित करने में आप पूर्ण रूप से सफल रहने वाले हैं। वैवाहिक मामलों में चली आ रही समस्याएं वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से दूर होने वाली है। किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद की वजह से यदि आपको समस्याएं पार्टनरशिप में हो रही थी, उससे भी आपको जीवन में दूरियां मिलने वाली है, सकारात्मक पक्ष आपको मिलने वाला है। यदि आप विदेशों में कार्य व्यवसाय कर रहे हैं या विदेश में जाने की योजना बना रहे हैं, द्वादश भाव पर शुक्रदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करेंगे, तो विदेश के मामले में आपको बड़ी खुशखबरी या विदेश से संबंधित आपको विशेष लाभ की सौगातें भी मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र के अनुकूल प्रभाव से भौतिक सुखों में आपको बढ़ोतरी होगी, साथ में क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है,
संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, डांसिंग, मीडिया लाइन, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो ये समय आपके जीवन में उपलब्धियों से भरा हुआ भी रहने वाला है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों इस समयावधि में शुक्र के द्वादश भाव पर प्रभावी होने से शुक्र की दृष्टि आपकी राशि के छठवें भाव पर पड़ रही है। सेहत के मामले में आपको जरूर सावधान होकर चलना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को खान पान की आदत पर भी जीवन में ध्यान रखकर चलना चाहिए तो यह समय आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। धन का यदि आप निवेश कर रहे हैं यहां पर भी आपको सावधान रहना है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना है। इस प्रकार का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिल सकता है। उपाय की जानकारी दिया जाए, शुक्र जनित शुभता को अर्जित करने के लिए रोजाना माता लक्ष्मी की प्रतिमा के ऊपर, माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के ऊपर यदि आप कमल पुष्प अर्पित करते हैं तो आपको शुभता इन दिनों में काफी ज्यादा मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को माताओं बहनों के साथ अपने संबंध को अच्छा बनाकर रखना चाहिए, किसी प्रकार से निरादर करने से बचे। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।